May God bless you. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, तो ये है मेरे प्यारे पति। सवेर से लेके 1:30 बज गए हैं, बहुत ही बिजी चल रहे हैं। इनके आपको दर्शन वीडियो की बिगिनिंग में हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गायन में पता क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि मैं सवेर तो 10 बार गा चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बंदे को स्पेशल कैसे फील कराऊँ मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। प्यारी है, अक्का पार के भी नहीं मैं गंदी टूट रहे देख ला। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। ओके गाइस, तो मैंने हस्बैंड के लिए गाना गा दिया है कम से कम 10 बार। हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनका ब्रेन एंड उनके कान बंद है। वो बहुत ज़्यादा फ़ोन में बिजी हैं। जब वो फ़ोन में बिजी होते हैं तो उनको कुछ नहीं सुनाई देता गाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो मेरा बर्थडे सीरियसली लगी। मेरा आज तक बर्थडे किसी ने नहीं मनाया, किसी ने नहीं मेरा बर्थडे मनाया आज तक। क्या कहते हैं, ये दिल पत्थर का हो चुका है, ये दिल पत्थर का हो चुका है। कोई बर्थडे नहीं चाहिए। ओके बहुत, तो ही ना, और तो ही सबने गाली करो, मैं पीछे म्यूजिक देनी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, चला चलिए। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे हमारी वीडियो देख के। और जो भी दोस्तों का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे उनको भी और प्यारे पति को भी। आज मैंने पति के लिए इतनी बार गाना गा लिया है कि रियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे गला ख़राब हो गया। ओके, आज हम प्यारे पति के बर्थडे की शुरुआत करेंगे बहुत ही प्यारी चीज़ के साथ। मैं हस्बैंड को लेके जा रही हूँ, सो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। हमारे लिए नहीं, उन दोस्तों के लिए जो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार फूड बैंक है जहाँ पे होमलेस या कोई ऐसे लोग जाके अपनी चॉइस का फूड ले सकते हैं। तो मैंने और पति ने जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग करने। जो भी हम वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट है, वो वाली चीज़ों में से कोई भी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। सो हम बंच ऑफ चीज़ें डोनेट कर देंगे, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, ब्रेड एंड ब्रेड, पास्ता, राइस, ऐसे ऐसे। सो वो काम के लिए मैंने पति को तैयार किया है। पति ने नहा के बुग्गे बन गए हैं, अब हम उनको लेके जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि पति डोनेट करें, सो इसके लिए मुझे वेट करनी पड़ रही है पति की। अगर पति ने नहीं जाना होता तो अब मैं वापस भी आ जाती, ये मैं पति को थोड़ी देर पहले बता रही थी। पर जाते जाते पति को एक काम फिर से याद आ गया है, वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। देखते कितना टाइम लगाते हैं, मैं वहाँ पर जाके बैठने वाली हूँ। सो आ जाएंगे अपने आप। ओके बाय पति। शॉपिंग कर ली है ग्रोसरी प्यारे दोस्तों के लिए। अबे कुछ नहीं पाया मैं। ओह शिट। Oh,
दोस्तों वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि पति बहुत तेजी में, पति घर से कोटी नहीं पहन के आया और बहुत ज्यादा काली कर रहे हैं। सो हम दोनों ने डोनेट कर दिया फूड। डोनेट करने की ना फीलिंग ही नहीं मजेदार है ना, बड़ा मजा आता है, है ना बो? सो गाइस आप भी करा करें प्लीज, बताना पता क्यों जरूरी है कि आपको भी मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जितना भी आप लोग आपकी पॉकेट अलाउ करती है छोटू मोटू सा कुछ भी दे। और फूड देना तो मुझे सबसे बेस्ट इसलिए लगता है कि किसी के पेट में खाना जाएगा, पैसे से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे फूड देना कि किसी की प्लेट से कोई बच्चा खाएगा, कोई बुढ़ा खाएगा, है ना। सो अगर आप किसी भी देश में रहते हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं, और हमारे देशों में तो ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों की। तो जितना भी आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं छोटू सा जरूर से करा करें। आई एम फीलिंग गुड, थोड़ा बर्थडे का मेन सक्सेस हो गया, भावे तो नहाने खाने लिए कद्दू मिले, आई डोंट केयर। एक्चुअली गाइस मैं ना कद्दू बनाने वाली हूँ आज, मैं सोच रही थी कि बर्थडे वाले दिन स्पेशल फूड बनता और साढ़े घर बनेगा कद्दू। ओके दोस्तों तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, पर हम गाड़ी में ही वेट कर रहे हैं हिम्मत के बस स्टॉप पे, क्योंकि हिम्मत की बस आने ही वाली है। और समझ में नहीं आ रहा है कि आज इस पावन उत्सव दांडिया किया जाए पावन उत्सव पे। सो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों इस पावन उत्सव के मौके पे पति को कौन सा पकवान खिलाया जाए। इस पहले इस नगरी की दीपमाला की जाए। पति के पकवानों की ऑप्शन में सबसे पहली है किया, दूसरा है कद्दू जिसको मैं काट के आई हूँ। कद्दू मेरे नाना का बहुत ही फेवरेट हुआ करता था, जब भी उनका बर्थडे आता था तो वो कद्दू खाते थे। तो नाना का बर्थडे आया पति का बर्थडे? हमारे इलाके में कद्दू भंडारे का फूड है, कद्दू को बहुत ही ज्यादा मजेदार खट्टा मीठा बनाया जाता है, स्पेशली हरे कद्दू को पूरी के साथ खाया जाता है। उसका है वो एक पावन मौके पे बनाए जाने वाला भोजनों में से एक है, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए आज वही भोजन तैयार किया जाए और उनको वो भोजन पूरी के साथ खिलाया जाए। कड़ा पतला पानी जैसा बना दूंगी मैं, फिर वो पतला फैल जाएगा प्लेट में, फिर ये चम्मच के साथ इसको लम्बा पालेंगे एंड देन उसी को काट लेंगे। इस तरह हम मेरे प्यारे पति का जन्मदिन मनाएंगे, जन्मदिन का पावन उत्सव मनाएंगे। क्या आपको ये जन्मदिन के विधि विधान अच्छे लगे या आप सदमे में चले गए हैं? सर और सर ते अखाई मारी गया और सर ते योगा करना पड़ेगा। क्या करिएगा, क्या खाइएगा, क्या आपके लिए पान चबाने के लिए लाके दूं? देखो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, क्या करिएगा, 3 बज गए हैं, क्या करिएगा सर जी? मुझे इसने कल रात कल 5 बजे खाना दिया हुआ है, बताने में ये बहुत आगे है मगर साला कुछ खिलाने पिलाने में बहुत पीछे है। ये सर सरासर झूठ बोल रहे हैं, उन्हीं बना लेने आधे घंटे जवाने ना कद्दू पूरी पूरी यार नहीं अधी बना की ओ मीमी नहीं बस आ गई पूरी नहीं तो फिर मैं क्या अधी बना लेने हैं। गाइस मिलो मेरी प्यारी नई दोस्त से, इसका नाम है मीको। ये हमेशा मेरे साथ ही किचन में रह रही है क्योंकि ये भी मेरी तरह है फूडी, इसे लग रहा है इसे कोई पकौड़ा मिलेगा पर मिलेगा नहीं, सॉरी मीको। तो दोस्तों हमने ना जल्दी जल्दी में यही वाले पकौड़े बनाए। ओ सॉरी मीको सॉरी। और दोस्तों तो बहुत समय के बाद मैं आपको मिल रही हूँ, पर ये है मेरे पति, पति इधर है क्यों? सो इनका बर्थडे है और इनकी पेट का कचोर प्लेट का कचोला देख लीजिए। एक्चुअली मैं हिम्मत को भी खिला रहा हूँ, दैट्स व्हाई मेरी प्लेट का ये हाल है। ओके सो हमने बनाया है कद्दू पति का स्पेशल एंड दिखाती हूँ मैं आपको क्या बनाया है मैंने। सो मैंने आज फिर से लैम बनाया है, कुछ दोस्तों को अच्छा नहीं लगता है
मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता है, पर पति को अच्छा लगता है। पति का दिन है तो पति की चीज़ बनेगी। सो गाइस लुक, करी कितनी रिच एंड कितनी ब्यूटीफुल है। To enjoy each day and find it in ourselves to show some gratitude for every moment through and through. I try so hard to just be present. Mom will slip the adolescence. I can't help but wonder, but I guess I'll never know it. What the other book looks like. Oh, wouldn't that be nice if that was me? If I'd stayed in my city. दोस्तों तो इस तरह मेरे प्यारे पति का बर्थडे मान लिया है। हमने प्यारा उनका फेवरेट डिनर बना दिया एंड केक कट कर दिया। केक अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत डिलिशियस तो लगा नहीं, पर मजा आया। पति, यू एंजॉयड योर बर्थडे? बहुत आनंद बजा। ओके दोस्तों, तो इसी तरह इस व्लॉग का एंड होता है। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। सो इसी तरह हम डन हैं आज के प्यारे व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों कि आपकी उम्र हर दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन को जी लें। आपकी जिंदगी का मोटो होना चाहिए कि लिव फुल फ्लेज लाइफ। एवरी डे आपके घर में खाना ऐसे बनना चाहिए कि आपका बर्थडे है। एवरी डे आपकी वाइफ को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे आपका बर्थडे है। अगर रोज घर में ऐसा खाना बनेगा तो फिर आपका अंतिम दिन दूर नहीं। अब तुम चपड़े खाओगी, चपड़े। ओके दोस्तों, बाय।